कितनी इज्जत दी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कासिम सुलेमानी को। शहीद कासिम सुलेमानी के बारे में अय्याम फातिमिया में शाम सीरिया आराक जहां कोई होते थे 5 दिन जरूर अपने आबाई वतन जाते थे अय्याम फातिमिया पर उनके दोस्तों का कहना। फिर गेट पर खड़े होते थे फातिमी आजादारों के इस्तकबाल में, काश हमें भी आ जाए, काश मुझे भी आ जाए। और फिर जब मजलिस खत्म होती थी ना गदाई करते थे ना दर अहल बैत पर झुक जाते थे। मैं इस दर पर झुकना नहीं आता, हम हर जगह झुकते हैं लिहाजा हम कंटिन्यूसली झुकते रहते हैं। और वो वहां झुकते थे जहां झुकने से आदमी बुलंद होता है। सुलेमानी वहां झुकता था, वह अमेरिका के मुकाबले में नहीं झुकता था, दर फातिमा पर झुकता था। उसकी मजलिस से फॉर्मेलिटी और रस्में नहीं थी, वो मजलिस में जाता था कि वो झुक जाए वहां भीख मांगे ताकि वो दुनिया के यजीदियों शैतानों अमेरिका इसराइल आईएसआई दाइश के मुकाबले में खड़ा हो जाए। अगर इस वक्त दुनिया के मुल्क दाइश के शर से महफूज है वो फातिमतुज़्ज़हरा के एक गुलाम कासिम सुलेमानी के सदके से। यूरोप अगर महफूज है ना वो कासिम सुलेमानी का एहसान। मशरिक मगरिब जुनूब शुमाल अगर महफूज है ना वो इसी कासिम सुलेमानी के सदके। फिर उनके दोस्तों का कहना जब मजलिस खत्म होती थी ना ये फातिमी मजलिस तो एक बैक हम देखते थे सुलेमानी नजर नहीं आते थे, यजीदी उनके पीछे वहां भी थे। इसलिए उस इमाम बारगाह के इर्द गिर्द इसराइल ने सऊदीया अरबिया ने सारे मकानात खरीद लिए थे और नीचे से उन्होंने क्या अंडरग्राउंड वो बना रखी थी, खंड के बना रखी थी, वो इस इमाम बारगाह के नीचे ही ब्लास्ट करना चाहते थे ताकि बम धमाका करके अपने आप को कासिम सुलेमानी से महफूज करें। लेकिन वो उनकी साजिश उनकी शहादत से 2-3 साल पहले ही फाश हो गई। उनके दोस्त परेशान होते थे सुलेमानी कहां गया, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहे गाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता। अगर इस दुनिया में आप गुलजार बनना चाहते तो इस दर अहल बैत पर हमें झुक जाना चाहिए, अपनी हस्ती मिटानी चाहिए। हमारी पर क्यों कटे हुए हैं, हमारी पर कटे कट जाने की एक वजह यह कि हम झुकना नहीं सीखते। फिर उनके दोस्त कहते हैं हम जब ढूंढते थे ऑफिस में जाते थे इमामबार के एक कोने में कोने कोने में जाते थे किचन में जाते थे कहीं नहीं मिलते थे तो हम देखते थे कासिम सुलेमानी टॉयलेट और वॉशरूम में पाइप लिए हुए झाड़ू लिए हुए वॉशरूम और टॉयलेट साफ करते थे। हम कहते थे सरदार मर गए हम, क्या आप जैसी अजीम हस्ती टॉयलेट और वॉशरूम साफ कर रहे हैं। तो वो सुलेमानी उनसे कहते थे मेरी इज्जत मेरा कमाल मेरी सरफराजी मेरी कामयाबी इन स्टार्स की वजह से नहीं है, मेरी कामयाबी मेरी इज्जत फातिमतुज़्ज़हरा की मजलिस में खादिम और गुलाम बनने की वजह से, सर्वेंट हूं फातिमा का, यही मेरे लिए एजाज है, यही मेरे लिए एजाज है, ये मेरे लिए एजाज है। मैं इसलिए नाज नहीं करता हूं कि मेरे यूनिफॉर्म पर सितार लगे हुए हैं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा सोलिडर हूं, नहीं नहीं, मैं इसलिए मेरे फख्र की बात यह है कि मैं दरे फातिमा का खादिम हूं, मैं दरे फातिमा का सर्वेंट हूं। यह जज्बा हमें मांगना चाहिए फातिमतुज़्ज़हरा से मांगना चाहिए। इन अय्याम में हमें बारगाह फातिमतुज़्ज़हरा में वाकई यही जज्बा मांगना चाहिए कि हमारी सलाहियत फातिमा को काम आ जाए, हमारे टैलेंट राय फातिमी में सर्फ हो जाए, हमारा सरमाया हमारी जवाना जवानियां फातिमतुज़्ज़हरा के काम आ जाए, यही हमारे लिए बस है। फिर इज्जत देना फातिमा का काम है, कितनी इज्जत ही फातिमतुज़्ज़हरा ने कासिम सुलेमानी कितनी इज्जत दी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कासिम सुलेमानी को कि करोड़ों लोग उनके जिनाजे में फातिमतुज़्ज़हरा का गुलाम सैयद अली खामनेई सैयद अली सिस्तानी उनके फिराक में उनके जिनाजे में जार जार रो रहे हैं। ये इज्जत किन्होंने कासिम सुलेमानी को दी,
इन्हीं मजलिसों ने दी, इसलिए कि कासिम सुलेमानी इन मजालिस में खोया हुआ सरमाया ढूंढने के लिए आते थे, इसलिए कि कासिम सुलेमानी इन मजलिसों में नायाब चीज को हासिल करने के लिए आते थे। वो जो कल मैंने मौलाना रूम का वो जुमला कहा ना मौलाना कि दस्त हर ना अहलत बीमारत कुनत सूर्य मादरात इमारत कुनत हर ना अहल हाथ ने बीमार कर दी हर नहाल आहत तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा कर देगी। सुये मादरा माँ की तरफ लौटो तीमारत कुनत ये माँ तुम्हारी मुश्किलात का आसान करेगी। सब लोग पलट के माँ की तरफ आ जाओ इस माँ के हाथ में तुम्हारे दर्द की दवा सब लोग पलट के आ जाओ उसी माँ की तरफ जिस माँ की तरफ शाम से हर आग से पलट के सुलेमानी आते थे उसी माँ के हाथ में हमारे दर्दों का इलाज है जिस माँ के हाथ में सुलेमानी के दर्दों का इलाज था। फातिमा तो जहरा गमे फातिमा अपने बाबा की शहादत के बाद एक बार तब फातिमा तो जहरा ने अली को बुलाया कहा अली अली वो पहरा है जिस पहरान में आपने मेरे बाबा को गुस्ल लिया आप वो पहरान लाएंगे। फातिमा उस पहरान को देख नहीं पाती थी। फातिमा ने दरखास्त की तो अली नबी का वो पहरान लेके आए जिस पहरान में अली ने नबी को गुस्ल दिया था। तारीख ने लिखा है जब फातिमा ज़हरा ने अपने बाबा के उस पहरान को देखा फगशिया अलैहा फातिमा ज़हरा बेहोश हो गई अपने बाप का पहरान नहीं देख सकी। मैं कहूंगा हमारी जाने कुर्बान फातिमा की बेटी ज़ैनब कुबरा पर फातिमा ने अपने बाप के पहरान को देखना बर्दाश्त नहीं किया मगर वाह करबला फातिमा तल्लैया ज़ैनब या पर देख रही थी अज़ादारों क्या देख रही थी बशमर जाल सो सर काट रहा था।